हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइज सो गाइज वी आर ऑन लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन फॉर एम सी क्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड वंस अगेन टेन एम सी क्यूज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टाइम एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड दस से पंद्रह क्वेश्चन आप लेकर के चलो पंद्रह क्वेश्चन तक भी पूछे हैं हिस्ट्री में इन्होंने ठीक है तो अल्टीमेटली काफी एक मेजर पोर्शन आपका बन जाता है अगर आप पंद्रह क्वेश्चन देखो तो अगर हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स अगर पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो ढाई नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स का पेपर बनता है आपका एक सौ बीस में से तो काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ओके सो विल स्टार्ट विद द विदीक्यूज एंड उससे पहले दोस्तों ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स जरूर ले लो अब एक महीना बचा है आपका और ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के इसके अंदर एमसीक्यूज हैं और इसके अंदर मैं कुछ एमसीक्यूज इंश्योरेंस दो इंश्योरेंस के बाकी तो देखो पूरे पांच सौ से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे इंश्योरेंस और ऑडिटिंग के भी इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस डालूंगा मैं ठीक है वो एक दो दिन के अंदर डल जाएंगे इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग के इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट हम आ, क्लेम कर रहे हैं वैसे तो ये एम कॉम्बो कोर्स सिर्फ आपका लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के लिए है बट इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में डालूंगा और वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा ठीक है तो अल्टीमेटली वो आपने देखना है और एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स के अंदर आपके पी डी एफ फाइल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं जो भी यूट्यूब के पी डी एफ फाइल्स हैं जो यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं आप अलग से भी उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो

तो रेडक्लिफ कमेटी रेडक्लिफ रिपोर्ट हम हमेशा सुनते रहते हैं देखो जब भी इंडिया पाकिस्तान का की बात आती है की बात आती है ठीक है तो कहीं ना कहीं रेडक्लिफ कमेटी जो है है न्यूज के के अंदर रेफरेंस आ जाती है। तो करंट अफेयर्स साथ भी इसको आप अच्छे से कमेंस कर सकते हो ठीक है so, सो रेडक्लिफ कमेटी आप सब जानते हो बाउंड्रीज जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सेट की गई थी ठीक है वो रेडक्लिफ कमेटी का काम था सो दिस कम अबाउट रेडक्लिफ कमेटी बहुत सिंपल क्वेश्चन था संडे ट्रीट क्वेश्चन था एक सीरियस कैंडिडेट अगर गया पेपर देने तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है नेक्स्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया था लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे और ये पार्टीशन कब तक रहा ठीक है इसके बाद बेसिकली uh, इसको कब नल कर दिया गया था वॉइड कर दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब इंडियन ट्रूप्स की जरूरत थी इंडियन फौजियों की जरूरत थी ब्रिटिशर्स को दूसरा किंग जॉर्ज फाइव एब्रोगेटेड एक्ट एट रॉयल दरबार इन इन किंग जॉर्ज ने इस पर्टिकुलर पार्टीशन जो एक्ट था कर्जन का उसको खत्म करा रॉयल दरबार दिल्ली में सी गांधी जी ने जब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च किया डी पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ जब नाइनटीन फोर्टी सेवन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो इजिल आंसर कर सकते हो तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को बेटा 1911 के अंदर खत्म किया था किंग जॉर्ज फाइव का रॉयल दरबार लगा था दिल्ली के अंदर उस समय पे इसको बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन्होंने एंड कर दिया था जो इन्होंने पार्टीशन किया था ना बंगाल का उसको खत्म कर दिया था ओके सो नाइनटीन हंड्रेड के अंदर डिसाइड किया गया था और बेसिकली इसके पीछे मेन रीजन क्या रीजन क्या था जो उस टाइम पर बंगाल में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म चल रहा था ना उसको खत्म करने के लिए एक तरीके से इसको लेकर के आया गया था और ये मुस्लिम जो पॉलिटिकल एलाइट था ना उनको बड़ा झटका लगा इस पार्टीशन से क्योंकि जब पार्टीशन कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स ने उन्नीस में तो उन्होंने क्या बोला था उन्होंने जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बोला कि ये उनकी बेहतरी के लिए पार्टीशन किया जा रहा है ठीक है अब अल्टीमेटली यहां पर इन्होंने उस पार्टीशन को खत्म कर दिया तो मुस्लिम्स को डेफिनेटली शॉक लगा लेकिन अब अगेन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो खेलनी नहीं थी ब्रिटिशर्स ने उन्होंने एक और डिसीजन लिया इस 1911 में ही जब उन्होंने पार्टीशन खत्म किया उन्होंने बोला कि हम ना अब पहले क्या होता था कैपिटल बंगाल होता था ठीक है अब बंगाल से कैपिटल ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाएंगे ठीक है दिल्ली को कैपिटल बनाना मुस्लिम्स को बोला गया देखो हम तुम्हारे लिए दिल्ली को कैपिटल बना रहे हैं क्योंकि दिल्ली जो है वो मुस्लिम ग्लोरी के साथ जुड़ा हुआ है रेड फोर्ट बना हुआ है ठीक है मुगल्स रूल करते थे है ना अल्टीमेटली तो उन्होंने बोला दिल्ली को हम कैपिटल इसीलिए बना रहे हैं ताकि तुम्हारी सुपीरियोरिटी दिखाई जा सके बट इससे मुस्लिम ज्यादा कुछ खुश हुए नहीं थे एंड अल्टीमेटली बिहार और उड़ीसा को बंगाल से बाहर किया गया और असम को अलग प्रोविंस बनाया गया एक okay? ओके तो पार्टीशन को एनुअल के बेसिकली या खत्म 1911 के अंदर किया गया था जब किंग जॉर्ज फाइव का दिल्ली रॉयल दिल्ली दरबार सेट किया गया था इतना याद रखना अच्छा ये वाला फैक्ट भी याद रख लेना कि 1911 में ही ये डिसीजन भी लिया गया था कि कैपिटल बंगाल से दिल्ली को बनाएंगे नेक्स्ट जी व्हाट वाज वर्थ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन जो 1857 के प्रोक्लेमेशन की बात हो रही है जब आपका रिवोल्ट हुआ था उसके बाद एटीन में ये प्रोक्लेमेशन हुआ था नॉट फिफ्टी सेवन के अंदर तो प्रोक्लेमेशन के क्या ऑब्जेक्ट्स थे पहला स्टेटमेंट कहता है टू डिस्कलेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट कि भाई प्रोक्लेमेशन ने बोला कि हम किसी भी इंडियन स्टेट को नहीं करेंगे कब्जा नहीं करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर देंगे सेकंड दे बोल रहा है थर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को इंडिया के साथ रेगुलेट करने का प्रोविजन था इसके अंदर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टी है आपका आंसर यहां पर क्या होगा देखो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है अपने को देख के ही पता चल रहा है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो ट्रेड जो पहले रेगुलेशन एक्ट आ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया तो यहां पर ट्रेड रेगुलेशन की तो बात ही नहीं हो रही थी तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है हो जाता है आपका उसके बाद इंडियन स्टेट्स की एनेक्सेशन जो कर रहे थे स्पेशली लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर

बेसिकली ब्रिटिशर्स ने आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसने बोला कि अब भारत सरकार हम चलाएंगे ठीक है और लॉर्ड कैनिंग ने दरबार एक हेल्ड हुआ था हुआ था अलाहाबाद के अंदर वहां पर क्वीन प्रोक्लेमेशन अनाउंस किया था नवंबर फिफ्टी एट ये भी याद रखनी है छोटे छोटे पॉइंट्स कि कहाँ पर अनाउंस हुआ था लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया था पहली चीज ये याद रखनी है किसने अनाउंस किया था दूसरा कहां पर अनाउंस किया था अलाहाबाद दरबार में तीसरा डेट भी थोड़ी सी याद रख लेना नवंबर वन एटीन फिफ्टी एट ठीक है इसी प्रोक्लेमेशन के अंदर गवर्नर जनरल को एडिशनल टाइटल वॉइस रॉय का भी मिला रॉय का बेसिकली काम क्या था रॉय प्रिंसली स्टेट्स के साथ डील करेगा क्राउन के बिहाफ पे ठीक है और इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वॉइस रॉय बने ओके okay, उसके बाद जी क्वीन ने प्रोक्लेमेशन में क्या बोला कि ये जो एनेक्सेशन या ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन का काम चल रहा है ना इंडिया में इसको हम खत्म कर देंगे जो भी नेटिव प्रिंसेज हैं जो भी इंडियन हैं उनकी डिग्निटी उनके राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा उसके बाद जी इंडिया में एक और देखो रिवोल्ट का एक और रीजन कंसिडर किया गया था कि भाई इंडिया के जो लो, लोग है, जो लोग हैं जो नेटिव लोग हैं उनके रिलीजन के साथ हेरफेर हो रही थी ऐसा फील हुआ लोगों को ठीक है उसके साइन क्या थे कि भाई इन लोगों ने आपका सती को बैन कर दिया सबसे पहले उसके बाद विडो रिमैरिज की बातें होने लगी उसके बाद इनहेरिटेंस लॉज के साथ भी ब्रिटिशर्स ने छेड़छाड़ किया ठीक है उसके बाद इंडिया के अंदर क्या होता था कि यार जो लोग होते थे वो सोचते थे कि अगर आप सी को क्रॉस करोगे ठीक है सी अगर आप क्रॉस करोगे तो यू विल लूज योर कास्ट तो इन जो फौज में काम कर रहे थे सरकार ने बोला कि नहीं जनरल एक्ट के अंदर कि आपको तो जाना पड़ेगा तो अल्टीमेटली रिलीजन के साथ जो छेड़छाड़ हुई तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने अब क्या बोला या क्वीन ने अपने प्रोक्लेमेशन में अब क्या बोला कि भैया फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हिंदुस्तान के जो लोगों का जो कल्चर है रिलीजन है उसके साथ ब्रिटिशर्स छेड़छाड़ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आप देखोगे कि इसी वजह से 1858 के बाद कोई मेजर जो सोशल रिफॉर्म वाला लॉ है वो इंडिया के अंदर नहीं आया ठीक है पहले पहले आप देखोगे 1857 से सती 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 आ गया, sati, आ गया गया बैन ऑफ ऑफ और विडो री मैरिज भी आ गया लेकिन उसके बाद इस तरह के कोई एक्ट नहीं आए क्यों क्योंकि यहाँ पर क्वीन प्रोक्लेमेशन में क्या बोलते भाई हमें नहीं कुछ लेना देना तुम्हारे इनसे ठीक है उसके बाद इन्होंने बोला कि जी जो इंडियंस हैं उनको हम लॉ के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके अंदर भी उनको इक्वल अपर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी हिंदुस्तानियों को भी सरकार के अंदर सर्व करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है उसके अलावा जी जब नए कानून बनाए जाएंगे तो नए कानून बनाते हुए जो भी पुराने हिंदुस्तान के लोगों के राइट्स हैं या कस्टम्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं उनको कंसीडर करते हुए ही नए कानून जो हैं या एडमिनिस्ट्रेटिंग है जाएंगे। तो ये सारे के सारे के सारे पॉइंट्स क्वीन अंदर थे ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं था Next जी, गदर वॉज एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद फ्रांसिस्को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद बर्लिन उसके लिए तो ये वाला मुश्किल है। ये सीधी सी बात लेकिन अगर पढ़ा हुआ है हिस्ट्री को तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर तैयारी की हुई है तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है तो गदर बेसिकली रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था और इसका कहां पर था सैन फ्रांसिस्को में था तो आंसर यहां पर होना है आपका ऑप्शन ए ठीक है जी सो so, गदर पार्टी वॉज अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप एंड बेसिकली एक वीकली न्यूज पेपर था द गदर उसके अराउंड ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हेडक्वार्टर्स इसका सैन फ्रांसिस्को में था ब्रांचिज इसके यूएस की कोस्टल स्टेट्स के अंदर प्रोविंसिस के अंदर और भी जगह थी बट मेन हेडक्वार्टज इसका सैन फ्रांसिस्को में था और जो मेन लीडर्स थे गदर पार्टी के उनमें लाला हरदयाल रामचंद्र भगवान सिंह करतार सिंह सराभा बरकतुल्ला और भाई परमानंद ये नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़े से ठीक है कई बार वो पूछ लेता है किसन पर... भगवान सिंह सराबा नंबर फोर भाई परमानंद फिर ऑप्शन दे देगा वन टू थ्री फोर वन एंड टू ओनली वन थ्री फोर ओनली ठीक है तो ये पांच छह नाम जो है यहाँ पर थोड़े से दिमाग में रखेंगे गदर पार्टी से लिंक में बना करके नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कलोनियलिज्म इन इंडिया जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पिछले इसमें एग्जाम्पल दिया ना कि वो पूछ सकता है कि भाई कौन था गदर पार्टी के साथ वो इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया अब, अब यहाँ पर क्या है इनमें से कौन इकोनॉमिक क्रिटिक था कलोनियलिज्म का इंडिया में दादा भाई नरौजी जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर आरसी दत्त तो कौन था यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों आपके इकोनॉमिक क्रिटिक्स में थे ठीक है सो so, uh, सबसे पहले तो देखो जो मेन इकोनॉमिक एनालिस्ट या जिन्होंने कोलोनलिज्म के uh, जो इकोनॉमी बेसिकली जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ किया वो थे दादा भाई नरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ठीक है इन्होंने बेसिकली जो आपकी इकोनॉमिक uh, ड्रेन की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन कि पैसा भारत से किस तरीके से बाहर जा रहा है ठीक है वो इन्होंने uh, दी थी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी से भी पूछ बाय दादा भाई एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिकलीवर्टीश रूल इन इंडिया उसके अंदर ये इन्होंने दिया था कई बार वो अभी ये भी पूछ सकता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब थी उसके अलावा जो इकोनॉमिक एनालिस्ट थे जो क्रिटिक थे uh, के इंडिया में उसमें आपका महादेव रनाडे का नाम आ जाता है रोमेश चंद्र दत्त या आरसी दत्त इन्होंने एक किताब लिखी थी काफी फेमस किताब थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगेन ये पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछा हुआ है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी किताब थी जी के गोखले जी सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वी चंद्र रे तो तीनों नाम आ गए आपके ठीक है दादा भाई नरौजी भी जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त ये आपको नाम थोड़े से याद रखने हैं दादा भाई नरौजी हो गया महादेव रनाडे हो गया रोमेश चंद्र दत्त हो गया गोपाल कृष्ण गोखले जी सुब्रमण्य अयर और पृथ्वी चंद्र रे एंड पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी की बुक है और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त की ओके नेक्स्ट okay. जी शोधक समाज ऑर्गेनाइज दो में पूछा था अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र अब प्रजेंट मूवमेंट इन पंजाब तो इनमें से आपका जो सत्यशोधक समाज है वो किस चीज से रिलेटेड था अगेन सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो तो सोशल uh, रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर के अंदर काफी पूछे गए हैं ठीक है सो so, उसके लिए आपको बेसिकली रेडी रहना है तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन सी एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र के अंदर तो सत्यशोधक समाज के जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे ज्योतिबा फुल्ले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद रखना है सतारा महाराष्ट्र में इनका जम जन्म हुआ था लो कास्ट को ही बिलोंग करते थे माली गार्डनर कम्युनिटी को पावरफुल मूवमेंट इन्होंने लॉन्च की अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन और जो ब्राह्मण की सुप्रेमेसी थी सत्यशोधक समाज की इन्होंने फाउंडेशन रखी 1873 के अंदर एंड अल्टीमेटली इसमें इन्होंने जो लीडरशिप थी वो भी बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे उन्हीं को बोला कि भैया आप आकर के इसकी लीडरशिप लें एंड मेन जो एम थे इस मूवमेंट के सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड साथ ही साथ एजुकेशन को स्प्रेड करना अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल ठीक है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी टेबनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड थे ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ठीक है मुश्किल क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के लेवल का क्वेश्चन है बट मैंने यहाँ पर कवर इसीलिए किया है क्योंकि कई बार जो आपका एपीएफसी का एग्जाम है उसके अंदर हो सकता है कि वो डायरेक्टली इस तरीके से ना पूछे वन टू थ्री करके बट वो पूछ सकता है कि टेबनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन इसके साथ कौन एसोसिएटेड था ठीक तो है तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन बी टू एंड थ्री तो न्यू uh, डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इसके साथ केशव चंद्र सेन जो है वो एसोसिएटेड थे तो केशव चंद्र सेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो ये जो सबसे पहले ऑप्शन में है कैलकटा कमेटी इसको तो राजा राममोहन रॉय ने किया था अब ये भी याद रख लेना जनरली ये आपको uh, हर बुक के अंदर नहीं मिलेगा कैलकटा यूनिटेरियन कमेटी के बारे में राजा राममोहन रॉय वो डायरेक्टली एबीसीडी क्वेश्चन बना करके ये भी पूछ सकता है कि कैलकटा यूनिटेरियन कमेटी किसने स्टैब्लिश की थी ठीक है बात करें अब केशव चंद्र सेन की तो ये भी बंगाल से थे 1856 में ये मेंबर बने ब्राह्मो समाज के 1868 में केशव चंद्र सेन ने फाउंडेशन स्टोन रखा एक इन्होंने मंदिर बनाया था जिसका नाम था टेबल निकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन ओके केशव और इनके जो फॉलोअर थे ये मार्च करते थे और संकीर्तन परफॉर्म करते थे ठीक है एक तरह का जो स्ट्रीट प्रोसेशन होता है

नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907 ठीक है 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ उसका मेन रीजन क्या था कि भैया कॉम्युनलिज्म आ रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में लॉर्ड मिंटो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था देखो ब्रिटिशर्स तो कॉम्युनलिज्म को लेकर के आ रहे थे बट क्या कांग्रेस का स्प्लिट का रीजन बना वो दूसरा

ठीक है देखो ए और सी तो इसका ऑप्शन है ही नहीं कॉम्युनिज्म और मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कहीं पर भी रीजन नहीं था डिवीजन का हाँ, जो ऑप्शन डी है इसमें नाम गलत है एक्सट्रीमिस्ट नाराज थे क्योंकि वो अपने लीडर को जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बना पाए थे पर और बिंदो घोष नहीं थे वो ठीक है तो सूरत स्प्लिट देखो हुआ था 1907 में और वो बेसिकली हुआ क्या था एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो 1907 का सेशन है जो नागपुर में होने वाला है ठीक है उसमें तिलक या लाजपत राय प्रेसिडेंट बने और स्वदेशी मूवमेंट को कंटिन्यू किया जाए जो बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुई थी उसको कंटिन्यू किया जाए, नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड रेजोल्यूशन है लेकिन मॉडरेट क्या चाहते थे कि पहले तो सेशन जो है वो सूरत में हो क्योंकि सूरत में वो सेशन ही इसीलिए चाहते थे ताकि तिलक प्रेसिडेंट ना बने क्योंकि कांग्रेस का जो रूल होता था कांग्रेस का रूल था कि जहां पर सेशन हो रहा है ना जिस प्रोविंस के अंदर सेशन हो रहा है उस प्रोविंस का बंदा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा तो मॉडरेट्स अपनी चाल चल रहे थे एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे नागपुर में सेशन हो ताकि तिलक प्रेजिडेंट बन पाए और मॉडरेट चाहते थे कि सूरत में सेशन हो ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली तिलक को वो एक्सक्लूड करना चाहते थे और राइट एंड

एंड मार्च 1942 में आया था ये चाहते थे कि इंडिया को कुछ लालच दें ताकि इंडिया जो है वॉर में फुल फ्लैश तरीके से सपोर्ट करे स्टेफर्ड क्रिप्स हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर थे ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के मेंबर थे तो क्रिप्स मिशन के जो मेन प्रपोजल्स थे सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया फ्री होगा कि वो अपने रिलेशंस को डिसाइड करे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल बॉडीज में फ्रीली पार्टिसिपेट करे उसके अलावा इन्होंने बोला कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होगा कि एक नया संविधान ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसमें से आधे मेंबर जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज में से चुने जाएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और आधे जो मेंबर होंगे वो प्रिंसेज नॉमिनेट करेंगे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेगी जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी लेकिन दो कंडीशंस के साथ सबसे पहले तो कोई भी प्रोविंस जो इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती उनके पास पूरा अधिकार होगा कि वो इंडिपेंडेंट रहे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और अपने खुद का एक इंडिपेंडेंट यूनियन बनाए उसके बाद जी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट अ ट्रीटी टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ पावर ठीक है कि बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो आपस में डील करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास एक तरीके से अधिकार होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने का कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर करना है और जो रिलीजियस और रेशियल माइनॉरिटीज हैं कैसे उनके इंटरेस्ट को सेफ करना है ओके okay, जब तक ये सारा प्रोसेस चलेगा तब तक इंडिया की जो डिफेंस है वो ब्रिटिश हैंड्स में ही रहेगी एंड जो गवर्नर जनरल के पावर्स हैं वो उसके पास वैसे के वैसे रहेंगे तो ये मेन थे चार मेन प्रपोजल्स थे क्रिप्स के जो आपने अब ध्यान रखने हैं डोमिनियन स्टेटस स्टेटसटी असेंबली नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दो कंडीशन है जो प्रोविंसेस नहीं ज्वाइन करना चाहते वो अलग रह सकते हैं अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो नई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे और कैसे रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफ करना है और कैसे इंडिया की डिफेंस तब तक कंट्रोल करनी है ब्रिटिश okay? so, right. so, uh, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ठीक है और जितना हो सके ना शेयर करो अगले एक महीने में हम जितना ज्यादा आप मुझे इनकरेजमेंट दोगे ना उतना ज्यादा मैं काम कर पाऊंगा क्योंकि देखो काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के लिए इनकरेजमेंट चाहिए तो दिस इज नाउ टाइम कि हम इनकरेज रहें आप भी इंकरेज रहो हेल्थ का अपने ध्यान रखो एंड पूरे तरीके से इंकरेज रहना है आपने किसी भी तरीके से अपने दिल को छोटा नहीं करना अब अगले एक महीने में ठीक है अभी टाइम नहीं है पेपर के बाद छोटा कर लेना दो चार दिन वो आपको टाइम दे देंगे दो चार दिन का दो जुलाई के बाद ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय